क्या शीशा पीना एक जुर्म है? अगर शीशा पीना एक जुर्म है तो उसकी सजा क्या, उसका जुर्माना क्या, शीशा आखिर क्यों बैन हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून एडवोकेट कोर्ट लाइफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूँ जी। तो आज का हमारा मौजू है शीशा या शीशा ग्लास पीना या फरोख्त करना एक जुर्म है या नहीं। आमतौर पे आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े कैफेज में आमतौर पे शीशा बेचा जाता था, और जहां पे लड़के लड़कियां इजीली शीशा पीते थे। न्यू जनरेशन में ये फैशन के तौर पे ये ट्रेंड बढ़ता गया, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको बैन किया जाए। बड़े बड़े कैफेज में इसको बैन किया गया, बड़े बड़े होटलों में इसको बैन किया गया, इसकी खरीद और फरोख्त को बैन किया गया, ताकि जो आने वाली नस्ल है वो बर्बाद ना हो, इसको यहीं पे बैन किया जाए। अब ये बैन किसने किया? सूबाई असेंबली ने एक बिल पास किया जिसके तहत इसको बैन किया गया। सिंध असेंबली ने एक बिल पास किया, उसके साथ साथ पंजाब असेंबली ने बिल पास किया, ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में ये बिल फॉर टाइम बीइंग लागू किया गया, यानी कि कुछ वक्त के लिए लागू किया गया, लेकिन उसको अभी तक ख़त्म नहीं किया गया। अब इस बिल में वाज़े तौर पे सज़ा भी बताई गई और उसके साथ जुर्माना भी बताया गया कि जहाँ पे ऐसी चीज़ यानी शीशा ग्लास खरीद और फरोख दिखाई दे, तो पुलिस को डायरेक्शन थी कि वो उनको अरेस्ट करे और उस चीज़ को कंट्रोल करे। शीशा खरीद और फरोख्त करने वालों को पुलिस जब कोर्ट में उनको पेश करती है तो उनका समरी ट्रायल चलता है। अब समरी ट्रायल में जो उनको सज़ा मिलती है एज यूजुअल, वो सज़ा है 1 माह से लेकर 6 मंथ तक, और उसके साथ साथ 45,000 यानी कि 45,000 का जुर्माना यानी फाइन या दोनों भी लग सकता है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर से बचें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब पुलिस पकड़ती है किसी भी केस में तो मोटी खासी रकम ले लेती है, या फिर कोर्ट कचहरी में पेश करती है तो कोर्ट कचहरी में समरी ट्रायल होगा। समरी ट्रायल में आपको 6 माह की सज़ा हो सकती है और प्लस जुर्माना हो सकता है। जुर्माना 45,000 है, हो सकता है सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को भी बचाएं और अपने दोस्तों को भी बचाएं। शीशा पीना, शीशा फरोख्त करना, ये एक क्राइम है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हुए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।